शबनम टिप्स हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम टिप्स सो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एन इम्पोर्टेंट स्टोरी विच नेम इज़ द ग्रीडी डोक लालची कुत्ता और ग्रीड इज अर्स लालच बुरी बला है सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द ग्रीडी डोक एक लालची कुत्ता डोग वॉज वेरी हंगरी एक कुत्ता बहुत भूखा था हंगरी मीन्स भूखा वेरी मीन्स बहुत वाज मींस था अ डोग वाज वेरी हन्गरी एक कुत्ता बहुत भूखा था ही वेंट हेयर एंड देयर वह यहाँ और वहाँ यानी कि इधर और उधर घूम रहा था बट ही डिड नाट फाइंड फूड एनी वेयर लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला बट मीन्स लेकिन डिड नॉट फाइंड कहीं भी नहीं मिला फूड भोजन एनी वेयर कहीं भी ही स्टोल ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ मीट शो ही स्टोल स्टील होता है चोरी करना स्टोल सेकेंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर ही स्टोल ए पीस ऑफ मीट मीट मीन्स मांस पीस मीन्स टुकड़ा उसने एक मांस का टुकड़ा स्टोल मीन्स चुराया फ्रॉम अ मीट शॉप एक मांस की दुकान से उसने एक मांस का टुकड़ा चुराया ही वांटेड टू ईट इट अलोन वह उसे ईट मीन्स खाना चाहता था अलोन मीन्स अकेले वह उस टुकड़े को अकेले खाना चाहता था सो ही वेंट टू जंगल सो मीन्स इसीलिए इसीलिए ही वेंट टू जंगल इसीलिए वह जंगल में गया देर ए रिवर ऑन द वे वहाँ पर रस्ते में वे होता है रास्ता ऑन द वे रस्ते में रिवर मीन्स नदी रस्ते में वहाँ एक नदी आई ही वेंट ऑन द ब्रिज ब्रिज होता है बच्चों पुल तो वह पुल पर गया ही his own reflection इन द water। उसने पानी में अपनी खुद की परछाई देखी ओन रिफ्लेक्शंस मीन खुद की परछाई ही थॉट उसने सोचा दैट इट वॉज अनदर डोग कि ये दूसरा कुत्ता है दैट डोग ऑल्सो हैड ए पीस ऑफ मीट उस कुत्ते के पास भी एक मांस का टुकड़ा है दिस डोग वॉज रेडी टू गेट दैट पीस ऑल्सो अब ये कुत्ता उस मांस के टुकड़े को लेने के लिए भी लालची हो गया यानी कि उसके मन में लालच आ गया कि एक टुकड़ा तो मेरे पास है ही और दूसरा जो सामने मुझे कुत्ता दिखाई दे रहा है मैं उसका टुकड़ा भी ले लूँ सो इसीलिए ही बार्कड एट him वो उस कुत्ते पर भोंका his own ओन पीस ऑफ मीट फेल इन टू द वॉटर उसका खुद का टुकड़ा भी पानी में गिर गया ही वॉज़ वेरी सैड वह बहुत उदास हुआ बट लेकिन इट वॉज़ टू लेट लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी थी सो so, स्टूडेंट्स इस कहानी का जो मोरल है वो क्या है greed इज़ अ curse लालच बुरी बला है सो so स्टूडेंट्स इस स्टोरी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए लालच बुरी भला है यानी कि हमें जितना मिलता है जैसा मिलता है उसी में ही हमें खुशी रखनी चाहिए संतोष रखना चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग